हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज किस वीडियो में बनाने वाले हैं ब्लूटूथ डिवाइस जिससे आप एम्पलीफायर डीजे सेटअप को चला सकते हो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खराब नेक बैंड ब्लूटूथ। तो फिर यहाँ पे हमने दो ले लिया, इनमें से हमें एक का काम है। तो फिर यहाँ पे हमने एक ब्लूटूथ ले लिया है। तो इनसे फिर हमें सर्किट निकालना और इसमें की बैटरी हमें निकालना। तो चलिए सर्किट वाले पॉइंट को हम खोल लेते हैं यहाँ से। क्या फ्रेंड, हमने इधर से इसका ढक्कन खोल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सर्किट ये रही। फिर उसके बाद चलिए दूसरे साइड का भी ढक्कन हम खोल लेते हैं, इस साइड में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड इस साइड का भी हमने ढक्कन खोल लिया और यहाँ से हमें एक बैटरी मिल जाती है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे इस सर्किट को यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से इसकी वायर हटा के हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने सर्किट को यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद चले बैटरी को भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये रही बैटरी, जिसकी टेप हटा के इसके भी हम सोल्डिंग आने से वायर हटा के इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस बैटरी को अच्छे से बाहर निकाल लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमारे सर्किट और बैटरी दोनों यहाँ पे अच्छे से निकल चुके हैं। उसके बाद इस सर्किट के लिए हमें बनानी होगी बॉडी। तो यहाँ पे हम पीवीसी शीट का यूज करेंगे, जिसे हमने पाइप से कट करके इसे यहाँ पे हीट करके इस तरह बना लिया। तो फ्रेंड यहाँ जहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं लिखे हुए, तो इसके बेस से हमें इसके आरी ब्लेड से कट कर लेना है। तो यहाँ फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार इतना इसे कट कर लिया। तो इस हिसाब से हमें और भी सीट कट कर लेना, तो चलिए उनको भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने चार पीसेस यहाँ पे सीट कट कर लिए हैं, जिसमें दो बड़ी और दो छोटी हैं। तो फ्रेंड चलिए इनका हम बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स बनाने के चलिए इनको यहाँ पे लगा के हम इसको फेविकोल से चिपका लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस प्रकार दोनों सीट को अच्छे से फेविकोल से चिपका लिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है सर्किट को। तो फ्रेंड यहाँ पे रहा है सर्किट, तो इसे हमें लगाना है इसका जो यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे हम होल कट करेंगे। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से इसमें हम होल कट कर लेते हैं चार्जिंग कनेक्टर को निकालने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें होल कट कर लिया इस चार्जिंग कनेक्टर को लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्टर अच्छे से यहाँ पे लग जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद चलिए फ्रेंड यहाँ पे दूसरे साइड में भी हम इस सीट को चिपका देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने लगा लिया है, तो चलिए इसको फेविकोल से चिपका लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने इसका दूसरा साइड वाला भी सिरा को चिपका लिया कुछ इस प्रकार से अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड हमें सर्किट कनेक्शन कर लेना। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तीन बटन लगे हैं, जिसमें बीच वाली पावर ऑन के लिए और दोनों अगल बगल वाले यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन के लिए है। तो यहाँ फ्रेंड हम सिर्फ पावर ऑन वाली बटन के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे मोबाइल से भी कंट्रोल हो जाता है। तो फ्रेंड सिर्फ हम यहाँ पे पावर ऑन वाली बटन के कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक बीच वाला और एक साइड में। तो फ्रेंड चलिए इन दोनों में हम दो वायर सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड इसमें वायर सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे लीड वाली वायर का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने वायर निकाल लिया, यहाँ पे बीच में हमने एक वायर सोल्डिंग भी कर ली जो कि प्लस वाली है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसके साइड में माइनस वाले की भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने दोनों वायर को अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया है। यहाँ पे हमारे पावर ऑन वाले बटन के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद चलिए इसमें फ्रेंड आईडी आउट वाले भी कनेक्शन कर लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आईडी आउट के दो पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ से भी हम दो वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने दो वायर अच्छे से सोल्डिंग कर लिए, जो कि आईडी आउट के लिए यहाँ पे एक चैनल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए जो कि बैटरी कनेक्शन के लिए, यहाँ पे दो प्लस माइनस पॉइंट दिए गए हैं। इन दोनों पॉइंट में हम दो वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने एक वायर को सोल्डिंग कर लिया, यहाँ पे दोनों वायर को अच्छे से यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर लिया जो कि बैटरी के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ फ्रेंड ये वायर है जो कि आईडी आउट के लिए, और ये वायर यहाँ पे बैटरी इन के लिए। तो फिर यहाँ पे दूसरी वायर है जो कि यहाँ पे पावर ऑन करने के लिए है। उसके बाद एक आईडी आउट के लिए यहाँ पे एक वायर और सोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दो प्लस माइनस दिख रहा है, तो यहाँ से दो वायर और सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हम दूसरे साइड से भी आईडी आउट के लिए यहाँ पे दो वायर सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद चलिए सर्किट के यहाँ पे कनेक्टर के सामने जहाँ पे हमने होल किया उसके सामने लगा के हम इसे ग्लूगन से अच्छे चिपका देते हैं। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सर्किट को ग्लूगन से अच्छे से चिपका दिया। तो फ्रेंड उसके बाद इसमें हमें लगाना है आईडी आउट के लिए कनेक्टर। तो फ्रेंड हमने दो कनेक्टर लिए, जिसमें एक छोटा और एक बड़ा है। तो इसमें फ्रेंड आप बड़ा वाला भी यूज कर सकते हो और छोटा भी यूज कर सकते हो, आपके पास जो आप उसे यूज कर लेना। तो मैं फ्रेंड यहाँ पे छोटा वाला यूज कर रहा हूँ। तो चलिए इसको यहाँ पे लगाने के लिए फ्रेंड हमें एक ढक्कन लगाना होगा। तो फ्रेंड इस कनेक्टर को निकालने के लिए फ्रेंड इस ढक्कन में हमें होल करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से हम होल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, और चलिए इसमें हम होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो यहाँ फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार से इसमें होल कर लिया। तो चलिए अब इसमें हम इस कनेक्टर को लगा के इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने कनेक्टर को अच्छे से कुछ इस प्रकार से इस ढक्कन में लगा दिया। तो चलिए इसको उस बॉक्स में लगा के इसको भी हम चिपका देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार इस ढक्कन को लगा लिया, तो चलिए इसको फेविकोल से यहाँ पे चिपका लेते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने इसको चारों तरफ से अच्छे से इसको चिपका दिया। उसके बाद फ्रेंड इस कनेक्टर हमें कनेक्शन कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो तीन पॉइंट दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट वाला फ्रेंड ग्राउंड है और दूसरे दो जो पॉइंट दिए गए हैं वो प्लस वाले हैं। इनको आपस में ग्राउंड में करके इसमें प्लस वाला डायोड को वायर सोल्डिंग करना है। तो चलिए इनमें दोनों प्लस वाले वायर को हम सोल्डिंग कर लेते हैं दोनों पॉइंट में। तो फ्रेंड हमने एक प्लस वाले वायर को दोनों पॉइंट में हमने लपेट दिया है। उसके बाद फ्रेंड ग्राउंड वाला वायर हम लेके इस आगे वाले पॉइंट में हम सोल्डिंग कर देते हैं इसमें लगा के। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने माइनस वाली वायर को यहाँ पे लपेट दिया। उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग करने से हमने इसको सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इन दोनों लास्ट वाले पॉइंट में भी हमने ऑडियो का प्लस वायर एक साथ दोनों में लपेट दिया। तो चलिए इनको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमारे इस कनेक्टर तीनों पॉइंट के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद इसमें हमें कनेक्शन करना है इस बैटरी कनेक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे तीन पॉइंट दिए गए, जिसमें फर्स्ट वाला प्लस का है और बीच वाला यहाँ पे ग्राउंड का, जो हमने दो बैटरी के लिए दो वायर सोल्डिंग किया था। तो उन दोनों वायर को फ्रेंड इस बैटरी में हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हमने कुछ इस प्रकार इसमें सोल्डिंग कर ली इन दोनों वायर को। तो फ्रेंड यहाँ पे बैटरी कनेक्शन हो चुका है। तो इस बैटरी को इसमें लगा के हम इसे भी ग्लू गन से अच्छे से चिपका देंगे। तो चलिए इसको भी यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने बैटरी को काफी अच्छे से ग्लू से चिपका दिया है। उसके बाद इसमें हमें लगाना है इस कपलिंग पिन को। तो फ्रेंड इस पिन को यहाँ पे लगाने के लिए हमें इसको यहाँ पे कट करके इसे बाहर निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम ब्लेड से कट करके इसे प्लास्टिक से बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर हमें इस प्लास्टिक को कट कर लिया। तो इसको निकाल के यहाँ पे सोल्डिंग करने से इसकी वायर हम हटा देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस पिन को काफ़ी अच्छे से निकाल दिया, इसके दोनों वायर को हमने सोल्डिंग से हटा दिया है। उसके बाद चले फ्रेंड इसमें हम ढक्कन लगाएंगे। तो इस ढक्कन में इस पिन को हमें लगाना है। तो इस ढक्कन में हम होल कर लेते हैं उस पिन को लगाने के लिए। तो चलिए इसको भी हम सोल्डिंग आयरन से इसमें होल कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमने इस ढक्कन में होल अच्छे से कर लिया। तो चलिए इस पिन को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इस पिन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद इस पिन के हमें कनेक्शन कर लेना उस सर्किट के साथ। तो चलिए इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे दो वायर जो हमने ऑडियो के लिए सोल्डिंग किए थे उस सर्किट से, यहाँ पे हम दोनों को प्लस माइनस में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमने दोनों वायर को अच्छे से सोल्डिंग आयरन से हमने सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद इसको अंदर से हम ग्लू गन से अच्छे से चिपका लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने अच्छे से इसमें ग्लू लगा दिया। तो चलिए इसको ढक्कन को हम बंद करके इसे फेविक से चिपका देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने काफ़ी अच्छे से उसको चिपका दिया। उसके बाद इसके ऊपर का ढक्कन हमें इसमें लगाना है। तो ढक्कन में लगाने से पहले इसमें हमें एक लगाना है बटन, जिससे हम इसको ऑन करेंगे। तो इस बटन को यहाँ पे हमें लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हमें इसमें होल करना होगा। तो इस सोल्डिंग आयरन से इसमें भी हम होल करेंगे। तो चलिए इसमें भी हम होल कर लेते हैं उस बटन को लगाने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस प्रकार इसमें होल कट कर लिया। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे इस बटन को हमने इस ढक्कन में काफ़ी अच्छे से फिट कर दिया। उसके बाद इस बटन में हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए इसके कनेक्शन हम कर लेते हैं सर्किट के साथ। इस सर्किट में हमने जो कि पावर ऑन वाली बटन में दो वायर सोल्डिंग किया था, तो इन दोनों वायर को इस बटन में हमने सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इन दोनों को हम सोल्डिंग कर लेते हैं इस बटन के पॉइंट में। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने इसके कनेक्शन अच्छे से कर दिए। तो चलिए ढक्कन को यहाँ पे बंद करके हम फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो यहाँ फ्रेंड इस ढक्कन को हमने फेविक्विक से काफ़ी अच्छे से चिपका दिया। उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा प्लास्टिक को हमें घिसके से कट कर देना। तो यहाँ पे हमने रेगमाल ले लिया। तो चलिए इसमें घिस लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसकी एक्स्ट्रा प्लास्टिक को घिसके अच्छे से कट कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा बनकर रेडी हो चुका। तो आप चाहे इसमें पेंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। तो चलिए इसकी चार्जिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चार्जर पिन ले लिया। तो चलिए इसको इस कनेक्टर में लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग चलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने इस पिन को अच्छे से यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रेडी जल चुकी है, मतलब कि चार्जिंग यहाँ पे चल चुका है। तो चलिए अब इसकी पिन को एक बार निकाल के आपको दिखा देते हैं कि इसकी LED बंद होती है या नहीं। तो यहाँ पे पिन को हम जैसे निकालें यहाँ पे LED इसकी बंद हो चुकी है, और जैसे हम पिन को लगाएंगे यहाँ पे फिर से इसकी LED यहाँ पे चालू हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे फिर से LED यहाँ पे चालू हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हमारे चार्जिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हो रही है। तो फिर चलिए इसको आप चेक कर लेते हैं। तो ये रही फ्रेंड इसकी पावर वाली बटन। तो इसको प्रेस करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ ऑन होता है नहीं। तो फ्रेंड जैसे हम इसकी बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इंडिकेटर जल चुका है, जहाँ पे ब्लू और रेड LED जल रही, मतलब कि यहाँ पे ब्लूटूथ हमारा चालू हो चुका है। तो इसे चेक करने के फ्रेंड इस एम्पलीफायर का हम यूज करेंगे। तो इसमें हमने पीछे ऑडियो उनके लिए कनेक्टर लगा दिया है, जिसमें हम इसको लगा के चेक करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको हम सप्लाई देते हैं और उसके बाद इसमें हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दे दिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे इसमें लाइट आ चुकी है और इसमें भी एक ब्लूटूथ कार्ड लगा, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे इसमें हमने ऑफ वाला मोड सेट कर दिया है, मतलब कि अभी यहाँ पे नहीं चलेगा। तो चलिए अब इसी कनेक्टर में हम इसमें लगा के चेक करने वाले हैं डिवाइस को। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवाइस ये रहा। तो फ्रेंड चलिए इसको इसमें लगाते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो हमने इसको अच्छे से कपलिंग में लगा दिया। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसका साउंड आप सुन सकते हो ऑन होगा। तो फ्रेंड ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी LED भी देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंकिंग करने लगी है, जो कि यहाँ पे ब्लू एंड रेड LED जल रही है। तो चलिए इसमें मोबाइल में इसे कनेक्ट करके यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हैं, फिर आपको हम चेक कराते हैं।
तो पहले इसे फ्रेंड हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। या फिर हमने डायरेक्ट इसे कनेक्टर में लगा तो यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा। तो चलिए इसमें हम लीड लगा के इसे चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने कपलिंग इस साइड में लगा लिया, अब दूसरे साइड चले उस डिवाइस में लगाते हैं, फिर उसको चेक कर लेते हैं उस साइड में। तो यहाँ पे फिर हम इस लीड को ले लिया है, तो चलिए इसको इसमें लगाते हैं और चेक करते हैं। Welcome to sound check. 3, 2, 1. तो फ्रेंड यह दोनों तरफ से काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।